शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भजन भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त प्रेमालति करमूला प्रेमाल। ये जो पहले शब्द हैं हमारे परमाचार्य ठाकुर भक्ति विनोद के, ये इतने विचारने योग्य शब्द हैं, कभी ये शब्द हमारी समझ में आ जाए तो हम भक्ति में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्या कहा है इन्होंने, शुद्ध भक्त चरण रेणु। अगर शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली तुम्हें मिल जाती है तो तुम ठीक तरह से भजन कर सकते हो, अनुकूल भजन। भजन तो लोग करते हैं, अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल भजन होता है। उसमें बगल में छुरी और मुंह में राम राम, कोई लाभ नहीं उसका। अनुकूल भजन जब ऐसे संतों की धूली मिलती है, उनके चरणों की धूली मिलती है। अभी जैसे एक बार प्रभुपाद जी को एक ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद हम कैसे पहचाने कि हमें सदगुरु मिल गए हैं या मिलेंगे। प्रभुपाद ने कहा पहले तुम अच्छे शिष्य बनो, अच्छी भावना जागृत करो, भगवान तुम्हें सदगुरु से मिला देंगे। कई बार ऐसे भी होता है कर्मों के कारण मिल भी जाते हैं हमको गुरु, लेकिन हमारे पाप कर्म हमको आगे नहीं बढ़ने देते। और याद रखो कितने भी पाप कर्म हमारे सिरों पर क्यों ना हो, भक्ति के द्वारा वो सभी साफ हो सकते हैं, सभी धुल सकते हैं। यही बात मैंने कई बार कही है कि अगर हम निस्पराध कृष्ण का नाम अगर एक बार भी लेते हैं ना, तो इतने पाप समाप्त होते हैं जितने करने की क्षमता हमें नहीं है। ये सब शास्त्रों की बातें हैं, पर इनको धारण करने से ही। तो यही शब्द हम भक्तों की सेवा परम सिद्धि है, और प्रेम रूपी लता जो है, बेल, प्रेम रूपी बेल, उसकी जड़ है भक्तों की सेवा। ये पहली बात भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कही है, इसको धारण करना है हमने। तो आज योगिनी एकादशी है, वैसे एकादशी कल थी, लेकिन जो एकादशी सायंकाल तक रहे उसको दूसरे दिन उसका व्रत करना होता है। हमारे वैष्णव दर्शन जो है यही अनादि पुरातन दर्शन है। वैष्णव दर्शन जो है ये आजकल के लोगों का बनाया हुआ नहीं है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भगवान का दिया हुआ है। एक बार एक दूसरे संप्रदाय के महात्मा हमारे पास यहाँ ठहरे, कहते हैं कि एकादशी अलग अलग क्यों मनाई जाती हैं। हमारा वैष्णव पद्धति विष्णु भगवान के समय की, कृष्ण के समय की है, बाकी पद्धतियाँ बाद में शुरू हुई। जैसे शिव जी का जो अनुयायी हैं वो पद्धति 800 साल पहले शुरू हुई। आदि शंकराचार्य 800 साल पहले हुए, उन्होंने भी बड़ा कार्य किया, लेकिन असली पद्धति स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव पद्धति 500 साल पहले से शुरू की, और उसको हमारे आचार्यों ने बना के रखा, और उसी में कृष्ण ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा जिन्होंने एक वैष्णव धर्म की स्थापना की है। अभी हमें उस पद्धति के अनुसार चलकर अपने जीवन को सफल करना है। अषाढ़ कृष्ण पक्ष की ये जो योगिनी काची है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हे वासुदेव कृपा कर, अब आप अषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म क्या है, कृपया इनका वर्णन बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा हे राजन, अषाढ़ कृष्ण
पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देखो यही शब्द बड़े विचारने के हैं। अभी हमारी बुद्धि काम क्यों नहीं करती? जैसे मैंने उदाहरण दिया मूर्खों का, परिवार में बाहर भी बुद्धि मलिन हो चुकी है, पर वो मूर्ख आत्मा सोचे मैं बड़ी बुद्धिमान हूँ, मैं मार नहीं सकती, नरकों में भेज सकती हूँ बच्चों को, नरकों में सड़ें मैं भी सड़ूंगी आकर, वो भी सड़ें, पर मार नहीं सकती। क्या कारण? पाप कर्म, पापों का नाश करना है। एक शब्द कहे हैं, विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषय विकारों में उम्र गुजर गई और पापों ने बुद्धि को मलिन कर दिया और नरक में जाने की तैयारी हो रही है। तो ये योगिनी कांची जो हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को, इस व्रत के करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों को हमने नष्ट करना है, तो आज की कांची उसमें सहयोगी है। एक समय की बात है, स्वर्ग धाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रज करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता था। उसके यहाँ हेम नाम का एक माली शिव पूजन के लिए फूल लाया करता था। एक दिन माली फूल लेकर राजा के भवन ना जा सका। उधर राजा कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजन कर रहे थे। राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। जब माली दोपहर तक भी पुष्प लेकर राजा कुबेर के पास नहीं पहुंचा, तो अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि कोई जाकर हेम माली के आने के कारण, हेम माली के ना आने के कारण का पता लगाए। सेवकों ने कहा, हे राजन, वह तो पत्नी की काम वासना में आसक्त पड़ा है। सबसे बड़ी बीमारी जीव को पागल करती है काम वासना। काम वासनाओं से, अभी देखो हेम माली ने कितना बड़ा अपराध किया, पत्नी की काम वासनाओं में लगा रहा और फूल लेके नहीं गया। सेवकों की बात सुनकर राजा कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने तुरंत ही हेम माली को बुलवाया। हेम माली कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने कहा, अरे पापी, अरे कामी, तूने परम पूज्य शिवजी महाराज के पूजन के लिए पूजन में विघ्न डाला है, तूने पूजन की अवहेलना की है और पूजन का महत्व नहीं समझा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहे और मृत्यु लोक में कूड़ी हो जाए। कूड़ी का श्राप मिल गया। देखो जब जीव की बुद्धि मलिन होती है तो ऐसी दुर्गति उसकी होती है। जो अपने आप को बड़ा महान सोचते हैं ना, ये मार क्यों नहीं सकते हैं, महान है बड़े, अरे तेरे ना समझाने, अर्जुन ने भी तो कहा मैं नहीं मारूंगा, परिवार है, भगवान ने कहा तेरे कोई पाप लगेगा, ये सब पापी हैं, तेरे चाहे पितामह हैं चाहे गुरु हैं, इन्होंने पापियों का साथ दिया है। आखिर अर्जुन फिर एक जगह आके खड़े हो गए, नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई और मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। इसलिए हम सब मोह में पड़े हुए जीव जो हैं, ये प्रेम भक्ति के द्वारा, कृष्ण की हृदय से शरण लेने के द्वारा ही हम मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो भाई रास्ते में रह जाएंगे। कूड़ी होने का श्राप दे दिया, कुबेर के श्राप से हेम माली का उसी क्षण स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी समय पृथ्वी पर गिर गया। भूमि पर गिरते कि उसे कूड़ी कोड़ निकल आया, परंतु शिव पूजन की पुष्प सेवा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई। स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई, उसकी स्त्री भी
उसी समय बिछुड़कर अंत ध्यान हो गई। हे माली मृत्यु लोक में आकर अनेक दुख भोगने लगा। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी। भगवान शिव जी की जो सेवा उसने कभी की थी उसके प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति उसे अवश्य रही। इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर चला गया। वहाँ से उसे तपस्वी मुनीश्वर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। बोलो मार्कंडेय ऋषि जी महाराज की। हृदय से उनको प्रणाम करके मैं मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। श्राप से दुखी होकर हेमाली ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। संत महर्षि बड़े दयालु होते हैं। हमारे गुरु महाराज जी बहुत दयालु थे। माली को कष्ट पाते देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे वत्स, तूने कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कूड़ी होकर महान दुख भोग रहा है। माली बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन प्रातः ही पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षक हो गया, अनुचित आकर्षण हो गया और इसी कारण देर हो गई। मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। इसलिए क्रोधित होकर राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया। ये मुनीश्वर, अब मैं यह कुष्ठ रोग और पत्नी का वियोग सह रहा हूँ। इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके पास आ सका हूँ। शरीर से दुर्लभ हो गया हूँ, अतः कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। अभी जैसे हेमाली ने यह कहा कि मैं आपके पास आ सका हूँ, इस समय शुभ कोई शुभ कर्म ये था कि शिव जी के लिए वो फूल देता था, शुभ कर्म था तो मेरे कष्ट दूर हो। तो कोई जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, कोई कहीं शुभ कर्म भी होता है लेकिन उसका लाभ जब नहीं उठाते हैं तो फिर सब बिगड़ जाता है। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे माली, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं और तुझे अपनी भूल के लिए पछतावा भी है। सत्य बोलना चाहिए और जो अपने बुरे कर्मों के लिए पछताना चाहिए हमको। ये शिक्षा है यहाँ पर आज के इस एकादशी व्रत की। इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो प्रेत तो व्रत के पुण्य से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। कूड़ निश्चय की दूर हो जाएगा तथा पत्नी से पुनः मिलन हो जाएगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार हेमाली ने योगिनी काची का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मैं अपने पुराने स्वरूप में आ गया तथा उसका अपनी पत्नी से पुनः मिलन हो गया। हे राजन, यह योगिनी काची का व्रत उपवास अनेक यज्ञ करने के बराबर फल प्रदान करता है। बोलो योगिनी एकाची व्रत की जय। यह कथा श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है। फलाहार, इस दिन मिश्री का सागार। सागार क्या होता है? अरे पता करके उसमें देख, मिश्री का सागार लेना चाहिए।
तरल पदार्थ मिश्री का प्रयोग, दूध व दूध की मिठाई व फल इस व्रत में ले सकते हैं। बोलो योगिनी व्रत महात्म की। तो ये सब हमको प्रभुपाद कृपा से प्राप्त हो रहा है और हम सबको प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहिए और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। जय 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 प्रभु।